क्लास में पहली बार बाबा से कौन मिल रहे हैं? दो तीन चार पांच छः। अच्छा, नई नई भट्टी करके जो आते हैं, सात्विक स्टेज होती है, जैसे परमधाम से आत्माएं उतरती हैं तो सत्व प्रधान आती हैं, तो उस समय जो रचना रची जाती है वो सत्व प्रधान आत्मा ही होती है। तो ऐसे ही भट्टी में निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो जैसे जन्म हुआ ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मणों का काम है ईश्वर की ज्ञान देना, बाप का बनना और दूसरों को बाप का बनाना। सात्विक स्टेज में जरूर पैदाइश अच्छी होगी, जितना जास्ती पुरुषार्थ कर लेंगे सेवा का, दूसरों को ज्ञान सुनाने का, बाप का बनाने का, उतना हमारा भाग्य जरूर बनेगा। परंतु सेवा की फील्ड में जाने से कुछ न कुछ जिज्ञासाएं भी पैदा होती रहती हैं, नई नई जिज्ञासु मिलते हैं, नई नई बातें उठाते हैं, और जो नई भट्टी करने वाले हैं उनको पूरा तो ज्ञान होता नहीं है, तो उनमें बातों में मुझना नहीं चाहिए, उन बातों को क्लेरिफाई जरूर करना है। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं जो कागजों में बंधा हुआ हो, ये तो ईश्वरीय ज्ञान है, इसके लिए तो गायन है, सारे सागर को स्याही बनाया जाए, सारे जंगल की कलमें बनाई जाएं, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रश्न करता है तो आत्माभिमानी होकर के अगर नहीं जानते हैं तो जवाब दे देना चाहिए, हम बड़ों से पूछ करके बताएंगे। हर प्रश्न का यहां समाधान है, शास्त्रीय ज्ञान है उसमें सब बातों का समाधान नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान तो है ही नहीं, सृष्टि की आयु को ही उन्होंने इतना लंबा कर दिया है कि कोई पूछने का साहस ही नहीं करेगा। यहां तो बाप ने क्लियर करके बता दिया है कि सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, 84 का चक्र है, 84 लाख योनियों का तो चक्र है ही नहीं। तो पुरुषार्थी जीवन में नए नए जो चलने वाले हैं उनको क्लास तो जरूर रोज करना है, रोज क्लास करेंगे, अमृत वेले की याद करेंगे और रोज घंटे दो घंटे सेवा करते रहेंगे, तो उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, सदा सुखी रहेंगे। भक्ति मार्ग में भी
वरदान देते हैं, आशीष देते हैं, आयुष्मान भव हो तो आयुष्मान कोई बनता ही नहीं है। कलयुग में तो और भी 30-40 साल की एवरेज एज रहेगी। तो बाबा तो कहते हैं मैं तुमको आयुष्मान बनाता हूं, इतनी लंबी उम्र कभी कल्प में कभी किसी की होगी ही नहीं। जितनी यहां ब्राह्मणों की होनी है, सत्यु के अंतिम जन्म में एवरेज एज घट जाएगी। और ये तो पहले जन्म का भी पहला जन्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है जो बाप से डायरेक्ट मिलता है। तो यहां की उम्र तो सबसे लंबी होनी चाहिए। और पावरफुल आत्मा इतनी बने कि सारा विनाश इन आंखों से देखें फिर भी अपनी मस्ती में रहें। तो कभी कोई जिज्ञासु तीखे मिल जाते हैं, तीखे तीखे प्रश्न करते हैं, तो होलडाल नहीं होना चाहिए, तसल्ली से उन्हें बता दो हम पूछ के बताएंगे। कुछ ऐसी बातें आई हो तो अभी क्लियर कर लो। वहां भट्टी में तो छोटी छोटी बहनें हैं बताने वाली, फिर भी वहां बहुत सारी बातों का समाधान हो जाता है। नई नई बातें निकलती हैं, जितना मंथन बढ़ता जाएगा उतना उतना ज्ञान का विस्तार बढ़ता है। ये तो निश्चित है, जितना यहां ज्ञानी बनेंगे उतना जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा पाएंगे। ज्ञान का कनेक्शन है मुक्ति से। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं रिते ज्ञान अन्न मुक्ति, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुक्ति से भी बड़ी है जीवन मुक्ति। मुक्ति मिलती है फिर तो ज्ञान ही नहीं रहता है, आत्मा जैसे जड़वत तो परम धाम में पड़ी रहती है। जीवन में रहते दुख दर्दों से जब मुक्ति मिलती है वो बड़ी बात है। तो ज्ञान की गहराइयों में खूब रस लेना चाहिए। हाँ जी, कोई कहते हमें तो ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान मिलता है, लेकिन आपकी आसंत में हम क्यों हैं? हमें ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य हैं या भगवान हैं? पूछो उनसे है? और हमको तो भगवान से ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं हम तो गुर्जर दादी के सर्वे में आ रहे हैं। तो उनको उनकी मुरली दिखाओ कि तुम तो ब्रह्मा को तो तुम सबसे बड़ा मानते हो। जो ब्रह्मा के मुख से मुरलियां निकली हैं उनमें तो ऐसे कहा हुआ है कि मैं कन्या के तन में नहीं आता हूं, मैं पवित्र तन में आऊंगा या पवित्र तन में आऊंगा। बाबा वो बताते हैं ज्ञानी को ज्ञानी थोड़ा सा नहीं सुनने के लिए भी नहीं राजी नहीं होती। हाँ तो उन्हें बताओ कि जो सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं उन्हीं की तो शूटिंग हो रही है यहाँ। अल्लाह अकबर कान में उंगली दे लेते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। वो किसकी औलाद है जो कान में उंगली दे लेते हैं, कहते हैं हम
अल्लाह मियाँ को याद करेंगे, हम किसी का सुनना नहीं चाहते। कोई कितना भी सुनाए हम कुछ नहीं सुनेंगे। वो किसकी औलाद है? तुम्हारी औलाद है। तो उन्हें दिल में लगेगा अच्छा हम मुसलमान का जन्म लेंगे। हाँ, क्या सेवक करेंगे? अव्यक्त वाणी की क्या सेवक करेंगे? अव्यक्त वाणी को, हाँ अव्यक्त वाणी को श्रीमत कहेंगे। माता की भी बात माननी चाहिए। श्रीमत इसलिए कहेंगे, प्रूफ है इस बात का कि अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य आज तक ऐसा हो जो मुरली को काटने वाला हो तो बताओ। मुरली में जो बातें आई हैं, जो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने बोली हैं, उन बातों को आज तक भी अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य काटता नहीं है। इससे क्या साबित हुआ? एक बाप की श्रीमत तो है, लेकिन एक बाप जो श्रीमत बाप के रूप में देता है, वो बाप का रूप क्या है? नहीं, बाप का जो रूप है वो पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष है, पुरुष चोला है ना। और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, तो जब सब पुरुष दुर्योधन दुशासन हो गए तो ब्रह्मा और प्रजापिता रह गया? नहीं रह गया ना, नहीं रह गया। इसीलिए माता को गुरु उनको भी बनाना पड़े। अगर माता को गुरु नहीं बनावेंगे तो उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए माता की अवहेलना नहीं करनी है। ज्ञान बड़ा नहीं होता है, लेकिन धारण, ज्ञान बड़ा है या ज्ञान की धारणा बड़ी है? धारणा बड़ी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है पवित्रता। और प्योरिटी जो है वो विजयमाला से आवेगी, रुद्रमाला से नहीं आवेगी। रुद्रमाला का हेड कौन है? शिव बाप। रुद्र कौन? अभी आज की मुरली में क्या आया? रुद्र कौन है? शिव। शिव ही रुद्र है, है तो रुद्र। लेकिन रुद्र होते हुए भी, रुद्रमाला का मुखिया होते हुए भी आधार किसका लेता है? माताओं का आधार लेना पड़ेगा। तो जो आधार लेने वाला है वो बड़ा या आधार देने वाला बड़ा? आधार देने। माताओं को आगे बढ़ाना वो बात सही है, लेकिन एक बार एक आपको बुला पाए ये दादी और दीदी को रिगर्ट करना चाहिए। दादी और दीदी तो राष्ट्र में है, जो ब्रह्मा के मुख में मूर्तियां, ध्वजा देव के मुख में जो ब्रह्मा का राष्ट्र है वो तो अव्यक्त नहीं है ना। उसी के लिए एक मूर्ति खंड दो में एक जगह पर बोला हुआ है, दोनों चीज बोला हुआ इंटरमेल हुआ जी। एक बार देखा हुआ क्या ना, वो श्रीमत के अंदर में अव्यक्त वाणी को श्रीमत के अंदर में दिया है, फिर उसमें लिखा है कि दादी और दीदी तो रिगार्ड करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है अव्यक्त वाणी के मतलब उसको हम लोग रिगार्ड करना चाहिए, दादी और दीदी माता को रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन उसको श्रीमत नहीं। ठीक है, मेरा उसको दीदी दादियों से जो हमें मिलता है माल, जो भी बातें मिलती हैं, उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत नहीं कहेंगे। ये तो बात ठीक है, क्योंकि श्रेष्ठ मत है एवर प्योर ज्योति बिंदु जी। ज्योति बिंदु शिव जो है वो इस सृष्टि पर जब तक साकार नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं कर सकता, और साकार बनने के लिए उसे प्रकृति का आधार लेना पड़ेगा, प्रकृति के चोले का आधार लेना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चोला मालूम है कौन सा है? पहले पहले कौन से चोले का आधार लेता है? हैं? हैं?
माता का आधार नहीं है, आदि माता है। प्रजापिता पहले या ब्रह्मा पहले? प्रजापिता पहले, ब्रह्मा बगैर ब्रह्मा कुमार आया कहां से? जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता। तो जो पहला ब्राह्मण बनता है वो भी किसकी कृपा से बना? पैदाइश किससे हुई? ब्रह्मा से। तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, इसलिए बाबा बोलते हैं माताओं को हमेशा आगे रखना है, उसे हमारा अपना कल्याण है। और एक प्रश्न है जी, बहुत सारी जगह में मुर्गी तथा क्लैरिफिकेशन में शिव बाबा ने बताया है कि ये नौ दिन का भक्ति होता है दूध बच्चा बन, बाप का बच्चा बनने के लिए नौ दिन का भट्टी होता है, इसमें से दो दिन होता है जाने आने का और साथ ही भट्टी। लेकिन एक मूर्ति ने बताया मुरली 8/1962, विष्णु नंबर 1462, क्वेश्चन नंबर 1944, क्लैरिफिकेशन 20/4/2011, तुमको 8 रोज का भट्टी में पकना पड़ेगा, तुमको 8 रोज का भट्टी में पकना पड़ेगा। हाँ, कोई कोई बच्चे 8 महीने के पैदा हो जाते हैं इसे। कोई बाबा ने कोई बच्चा इमर्ज किया होगा वो 8 महीने में पैदा हो गया होगा, कमजोर बच्चा पैदा होता है, उसका पकना चाहिए ना गर्भ। और पुराने होली में बाबा आपने तो बताया कि बाबा है दुहानी लाड़े, बाबा है रूहानी लाडेन। कौन सा बाबा? शिव बाबा लादेन है, आतंकवादी है। शिव बाबा को ही आतंकवादी बना दिया? नहीं बाबा, कहने का मतलब बाबा ने बोले थे कि बाबा है रूहानी लादेन जिसको कोई पकड़ ना सके। हाँ, ला देना, तेरे पास जो कुछ भी है सो ला करके रख दे। अब लेने वाला है कौन? शिव बाबा लेने वाला है या कोई साकार में लेने वाला है? शिव बाबा तो निराकार है, वो लेकर के भी जाएगा कहां? परमधाम में लेके जाएगा? यूज कौन करेगा? साकार में ही यूज करेगा, तो लेने वाला कौन हुआ है? जो कहता है ला, जो कुछ भी है तेरे पास वो सब मेरे पास रख दे, तेरा तन है, तन के संबंधी हैं, तन की कमाई हुई चीज है, धन संपत्ति है, सब कुछ मेरे अर्पण कर। नाम है पूरा ओ सामा बिन लादेन। अरे शाम आ गई, सूरज भी डूबने वाला है, रात होने वाली है, और घोर अंधेरी रात होने से पहले जो कुछ है तेरे पास वो सब मेरे पास ला के रख दे, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाबा इस पॉइंट पे तो साकार बाबा का वो निशान होती है। तो साकार कौन है वो? साकार में भी तो बाबा दो हैं, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। कौन कहता है ला देना? बड़ा बाबा कहता है ले देना। बड़ा बाबा और छोटा बाबा, ज्यादा बुद्धि वाला कौन है? और छोटा बाबा को भी बुद्धि है नहीं, न बुद्धि होने के कारण ब्रह्मा आसमी और शिवो हम कह के बैठ जाता है, मैं गीता का भगवान। तो जो कमाई कर सकता है वो लुटेरा बनेगा डकैत बनेगा, या जो कमाई नहीं कर सकता है वो लुटेरा और डकैत बनेगा? कमाई नहीं कर सकती, तो कौन है कमाई न करने वाला? छोटा बाबा। वो बाप कोई नहीं पहचानता, वो कहता है जो कुछ है तेरे पास मेरे पास लाके रख दे,
नहीं तू छोड़ोगा नहीं, मैं और मेरी सारी प्रजा आतंकवादी बन के तुमको गोली से मार उड़ा देंगे। अब ब्रह्मा की प्रजा बताओ कौन है? ब्रह्मा की प्रजा ब्रह्मा कुमार है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? वो आतंकवादी है कि नहीं बोलो? है ना आतंकवादी? परंतु दादा ये जो अभी नया टेस्ट निकला है उसको वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार करके उसको मेसी को एक खाड़ी के समुद्र में फेंक दिया। हाँ, अब उसका क्या है? उसका अर्थ ये है कि उनका देहाभिमान टूटना शुरू हो गया जब 8 पॉइंट निकले ना बम्बई में, तो 8 पॉइंट को क्लियर करने के लिए उनको बुलाया गया। उससे पहले वो कह गए थे अब ये तो लास्ट सीजन है और लास्ट सीजन की लास्ट तारीख अब हम नहीं आएंगे क्या, लेकिन 13 दिन के बाद उनको फिर बुला लिया गया और आना पड़ा उनको। आए तो लेकिन जिस काम के लिए बुलाया था उन बातों का कोई जवाब दिया ही नहीं, तो देवहन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सागर में फेंकना, उस शरीर को सागर में मार करके सागर में फेंक देना, अरब सागर में। अरब सागर में फेंक देने का मतलब ये मुसलमानों को सागर में फेंक दिया। अरब सागर किसका देश है? मुसलमान। जिनका रब है ही नहीं, रब माने भगवान, अरब माने जिनका रब नहीं है, तो रब साकार में किसका नहीं है? रब होगा तो साकार में होगा या निराकार में होगा? साकार में होगा, लेकिन मुसलमानों का रब साकार में है ही नहीं, इसलिए उसको अरब सागर कहा गया। रुद्र बाप के सभी बच्चे जो होंगे जरूर रौद्र रूप धारण करने वाले होंगे। इसमें मुखिया है 12, उनमें जो प्योर रुद्र है वो 12 है। 12 है, उनमें 11 प्रतीक्षा है, 11 प्रतीक्षा है और एक बार बोला कि एक मंत्र रूप है, तो उस पर पाठ किसका है? जो एक मुख वाला है वो ही गुप्त है, वो मिलता नहीं कहीं, जो मिलते भी है वो डुप्लीकेट मर के मिलते हैं एक मुख वाले, असली एक मुख का जो मणका है वो मिलता ही नहीं, अगर मिल गया होता तो संशय बुद्धि ना आती। आज मिल गया कल संशय बुद्धि हो पड़ते, तो मिल गया या नहीं मिल गया क्या कहेंगे? अगर आज निश्चय बुद्धि हुए और कल अनिश्चय आने लगा तो क्या कहेंगे, मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। अटूट निश्चय बुद्धि हो जाए तब कहेंगे बात मिला। याद तो करते हैं लेकिन वर्षा कैसे न लगा, जरूर बोध में आना पड़ता है। हाँ, याद करना और बोध में आने में क्या है? बोध का बच्चे को कोई दुख होगा? जो बोध में आया हुआ बच्चा है उसको कोई दुख होगा? ये बोध से बाहर है उसको दुख होगा? बोध में आया हुआ बच्चा है उसको तो दुखों से परे हो जाना है। इसी जन्म में हो जाना है अगले जन्म में? इसी जन्म, क्योंकि बोध इस जन्म में मिलती है और अगले जन्म में तो सत्युग के 7-8 जन्मों में तो बोध की बात ही नहीं, वहां बाप ही नहीं होगा, बोध कहां से होगा? बाबा, बच्चा का जब जन्म होता है तो नया नाम पड़ता है, तो उसका हाँ आज का मुझे में था जब नया बच्चा का जन्म होता है तो उसका नया नाम रखते हैं। पहले दादा लेखराज नाम था, फिर नया जन्म हुआ तो नाम क्या पड़ गया? सन 47 में, 47 में नाम क्या पड़ा? ब्रह्म। तो नया जन्म हुआ तो नाम बदल गया ना, तो ऐसे ही विचार सागर मंथन करते करते
सेवा करते करते बुद्धि में इतना क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हमारे 84 जन्मों का राज तो क्या 84 जन्मों में से जो पहला मुख्य जन्म है संगम युग का, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, 33 करोड़ देवताएं, वो देवता का नंबर और नाम हमारा आउट होने लगे। हमारी अपनी बुद्धि में पहले आउट होगा या दूसरों की बुद्धि में आउट होगा है? पहले हमको पता चलेगा, महसूस होने लगे, निश्चय बुद्धि बनने लगे कि हमारा यही पार्ट है, प्रूफ निकालने लग पड़े। जो बाप दादा ने बोला है कि बाप दादा किसी के नंबर लिख करके नहीं बताएंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बताएंगे, कागज पर लिखकर नहीं बताएंगे, हर एक अपनी क्वालिटी से, अपनी वाचा से, अपने दिव्य गुणों से, अपनी सेवा से अपने नंबर को डिक्लेयर करेगा। तो जब नंबर डिक्लेयर होगा तो नाम भी डिक्लेयर हो जाएंगे काम के आधार पर। वो बेसिकली जो योग करते हैं और उसी समय उस सुमन में रहते हैं और बाबा ने बोला कि याद करना अच्छा है और योग और ट्रांस में जाना और बाबा तो अभी ब्रह्मलोक में नहीं है, ट्रांस में जाना वो तो ठीक नहीं है, याद करना अच्छा है। मगर वो लोग बोलते हैं कि सुमन में टिकना और योग करना जो सुमन में रहना और जो करना वो अच्छा है, इसके बारे में जानना चाहती क्या जानना चाहते याद याद ट्रांस में जाना अच्छा है या याद में रहना अच्छा है? जो सुमन में टिकने सुमन वाले मैं आत्मा बिंदी हूँ तो बिंदी की याद में टिकना, बिंदु की याद में टिकना, आत्मिक स्थिति में रहना। लेकिन आत्मा कोई बाप थोड़े ही है, आत्मा तो बच्चा है ना बाप का, तो बच्चा क्या अपने स्वरूप को याद करके कुछ प्राप्ति कर लेगा? प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। बच्चा जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में टिकने के साथ साथ बाप को भी पहचाने और बाप की गोद धारण करे, बाप की गोद का बच्चा बने, हृदय का लड़का बने, बाप के दिल में बैठ जाए, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनेगा तो बाप के दिल में बैठेगा। बाबा जो बाबा बोलते हैं कि हेलो ब्रह्मा बाबा, हेलो ब्रह्मा बाबा, तो फिर हमारे जो बेसिक के जो बहन थी वो बोली थी कि और ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा और गुर्जर दादी जो बोलते हैं वो क्या सब झूठ है, आपका बाबा जो बोलते हैं यह सच है, मैं लेकिन है कहाँ जो सही है वो है कहाँ? होना भी तो चाहिए। वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारा बाप ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तुम्हारा ब्रह्मा है कहाँ? तो ब्रह्मा ही नहीं है तो तुम ब्राह्मण कहाँ आएंगे? संगम युग चल रहा है तो संगम युग के प्रैक्टिकल में ब्रह्मा भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए। तो भक्ति मार्ग वाले भी ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी है, ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म बतनवासी है, तो वो तो झूठे ब्राह्मण हो गए। प्रैक्टिकल में चाहिए। तो मुरली में बोला गया कि जो सेवा है मनसा वाचा और करना, मनसा मनसा वाचा और करना में सेवा करना, मनसा वाचा करना में सेवा सेवा करना सेवा करना है। तो
अभी जो आपने बोले कि रोज 2 घंटा सेवा करना है, है? रोज 2 घंटा सेवा करना ठीक है, मनसा सेवा करो, कौन किसने मना किया? हर 2 घंटा मनसा सेवा करो तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात है? मन जो है एकाग्र होना चाहिए 2 घंटा, बात है तो बहुत करना आती है, फिर 2 घंटा एकाग्र होना आता है, है? आता है? अरे चुप हो गए, 2 घंटा तो क्या 2 घड़ी भी नहीं हो पाता है। तो जब तक हम नहीं उस स्टेज पर पहुंचे हैं तब तक हम वाचा सेवा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वाचा सेवा करेंगे तो भी हमें उजूरा तो मिलेगा। कोई आत्मा ऐसी है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ज्ञान नहीं सुना पाती, वाचा सेवा नहीं कर सकती है, तो कम से कम करुणा सेवा तो कर सकती है। करुणा सेवा की 100 मार्क्स नहीं है, करुणा सेवा के भी 100 मार्क्स हैं, वाचा सेवा के भी 100 मार्क्स हैं। और अगर मन एकाग्र हो जाए तो सबसे सहज है, कोई तकलीफ नहीं। किसी के लिए टिकट होता है, भक्ति में जाने के लिए किसी का टिकट हो गया है, अब वो भक्ति में जाने से पहले शरीर छोड़ देता है तो उसका क्या सुखी होता है? तो अगले जन्म में बहुत बढ़िया जन्म मिलेगा, फर्स्ट क्लास भट्टी में जाएगा। और अंत मते सुगते हो जाएगी। और बाबा एक डिस्कशन में बोला कि सूर्यवंश कोई अलग सा धर्म नहीं होते है, सूर्यवंशी हाँ कोई अलग सा धर्म नहीं होते, कोई कोई अलग सा धर्म नहीं है, अलग धर्म नहीं है, सूर्यवंशी कोई अलग से धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, और सूर्यवंशी चंद्रवंशी मिल करके एक धर्म बन जाते हैं। ठीक बात है, परंतु सतयुग में सब सूर्यवंशी और चंद्रयुग में सब चंद्रवंशी ऐसा धर्म है। हाँ लेकिन अभी सतयुग त्रेता तो बाद में होगा, अभी तीनों वंश है या नहीं है? सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है और शूद्रवंशी भी है, लेकिन रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं या नहीं है? हैं? जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, और सबसे ज्यादा पतित कौन बने हैं? कौन पतित बने भारत के राजाएं रुद्रमाला के मण के, जिनकी 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है पतित बनने की, वो पतितपना आखिरी जन्म में छोड़ पा रहे हैं? छोड़ पा रहे हैं? है? छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका बाप बीज है। बाप क्या है? तो जो बीज होगा, बीज का अंश सारे फलों में आएगा या नहीं आएगा? है? आएगा। जो बाप बीज है वो बीज खुद विषपाई है, तो सारे बच्चे क्या हुए? कुछ न कुछ विषय भोग में बुद्धि लगी रहेगी, इसलिए कहा जाता है देदान तो छूटे ग्रह। कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, काहे का ग्रहण? काहे का ग्रहण? विकारों का ग्रहण। तो संगठित होकर के जब तक हम पाप की याद में नहीं बैठेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। संगौ शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंत में संगठन में ही शक्ति होती है,
ये रुद्रमाला जिसे हम कहते हैं सूर्यवंशियों की माला, वास्तव में वो सिंगल है या डबल है? है? उनको हम प्रवृत्ति मार्ग का कहें या निवृत्ति मार्ग का कहें? निवृत्ति मार्ग के हैं। जब तक प्रवृत्ति मार्ग के न बने तब तक सूर्यवंश है ही नहीं, इसलिए बोला विजय माला का आह्वान करो। कोई कोई आत्मा, आप जोर से बोलिए, पीछे भी लोग बैठे हैं। कोई कोई आत्मा है, मेरी पड़ोसी, वो बोले कि हम लोग कैसेट में कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि कैसेट में, कैसेट में वो तो हिंदी समझते नहीं है ना। हाँ। इसलिए वो बोले कि जो मुरली है आपका, मुरली खानों में लाई थी ना परकरत से। हाँ। वो लोग बोले कि आप ओरिया में हमको बोलो, लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ो और वो हमको ओरिया में बोलो। बोल दो, बाबा तो कहते हैं सब भाषाएं सीखना चाहिए, ज्यादा भाषाएं सीखेंगे तो ज्यादा लोगों को सेवा कर सकेंगे, पहले अपने देशवासियों की सेवा कर सकेंगे, तो अच्छी बात है ना। अनुवाद करो, अनुवाद करना तो और भी सहज है, जो हिंदी और लोकल भाषा जानने वाले हैं उनके लिए। बाबा ने बोला कि कागज का मूल्य तो थर्ड क्लास मूल्य है ना। है? बाबा ने बोला कि कागज का मूल्य तो थर्ड क्लास मूल्य। हाँ? तो कैसे डाल करके सब अच्छा, तो कैसे चलाते जाओ, अनुवाद करते जाओ, थर्ड क्लास मूल्य छोड़ दो, कैसे तो सेकंड क्लास मूल्य है। अच्छा टीवी चला दो, टीवी में जो कुछ बोलते जाते हैं बटन दबाते जाओ, अनुवाद करते जाओ, आप भी जो अनुवाद करेंगे वो भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जो है, पृथ्वी के ऊपर जो स्पेस सेंटर है, पृथ्वी के ऊपर स्पेस सेंटर, स्पेस, स्पेस सेंटर, स्पेस, स्पेस, स्पेस सेंटर, उसका बेहद महत्व। स्पेस का मतलब जहाँ हवा नहीं है, पृथ्वी में उपग्रह। हाँ, ऐसी ऊंचाई जहाँ पर हवा का दबाव है ही नहीं, उसको कहते हैं स्पेस। सिर्फ आकाश तत्व ही आकाश तत्व है। और बाबा यहाँ तो मैं सेवा करता हूँ, तो मेन सेंटर पर कावर चला गया, मैंने इंचार्ज बताया तो ये उधर क्या भगा कर सब ले जाता है, मुझे कोई उधर मैंने नहीं जाता है। वो मेन सेंटर का इंचार्ज है बेसिक का। हाँ। और मेरे को फोन करके बताया तो वो उधर क्या शंकर पाठी में चला गया। हाँ। ले तो शंकर पाठी में नहीं गया ना, तो इधर आकर क्लास करो। मुझे शंकर पाठी नाम सुन रहे आप, ऐसे कमते क्यों, सुनने सुनाई नहीं देता है क्यों आप ना? ये शंकर पाठी में जो जाता है ना वो पूरा रुक जाता है, आ नहीं पाता है। हम इतना परिश्रम करके वो ये बनाया तो वो ले जाता है। अच्छा, इसीलिए बाबा मैं वो बुलाते हैं आने के लिए, क्लास के जाने के लिए मैं जाऊंगी ना नहीं जाऊंगी। हम तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हम मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघर में अपने अपने फॉलोअर्स बनाते हैं और ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हमारे सब ले जाते हैं, तो अब हम बराबर कर रहे हैं। जैसे तो ले गए थे ऐसे ही हम लेना शुरू कर दिया। तो बाबा ये बताते इधर आ जाओ क्लास करो, यहाँ आने के लिए मेरे को आप हमारी बातों का जवाब देंगे तो यहाँ क्लास करेंगे, जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप जो क्लास चलाते हैं उस क्लास चलाने के बाद हमारे जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का आप समाधान करेंगे तो हम यहाँ क्लास करेंगे। हमें जहाँ समाधान मिलता है हम वहां जा रहे हैं।
आप जवाब नहीं दे सकते, फिर क्या बात। भक्ति मार्ग में तो गुरु लोग जवाब देते ही नहीं है, बोलने भी नहीं देंगे सभा में। हमारा बाबा तो गुरु बन के बैठता ही नहीं, हमारा बाबा तो बाप है हमारा। हम घर परिवार में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारा स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है। हम तो अपने बाबा से डायरेक्ट प्रश्न कर लेते हैं और डायरेक्ट समाधान ले लेते हैं। हमारा बाबा तो नाराज नहीं होता, आप तो नाराज हो जाते हैं। बाबा जो महाकाली का रूप है ना, छिन्नमस्ता का रूप, एक मुंड हाथ में और जीवा इतना बड़ा, और जो मुंड माला गले में, जो याद करोगे सो याद आएगा बुद्धि में। नहीं मैं जानना चाहती हूँ जो शंकर जी बाबा को याद करो है, चंडिका को क्यों याद कर रहे हैं? नहीं नहीं वार्तालाप, चंडिका देवी थोड़ी बनना है। नहीं हाँ, नारी से क्या बनना है? नहीं मैं जानना चाहती हूँ चिट्ठी के नीचे के नीचे चंडिका देवी का पार्ट है, वो नौ देवियों में सबसे नीचा पार्ट है। देवियां है ना, नंबर वन है कि नहीं, तो नौ देवियों में जो अव्वल नंबर है वो लक्ष्मी है। क्यों क्यों अव्वल नंबर हुई? इसलिए अव्वल नंबर है कि जो भगवान देता है वो ही चीज दूसरों को देती है, अपने पास की कोई चीज दूसरों को नहीं देती। और जगदम्बा महाकाली बनती है, वो क्या करती है? सब मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो सब मनोकामनाएं पूरी करना अच्छा है या ज्ञानी की मनोकामना पूरी करना अच्छा है? भगवान का दिया हुआ दूसरों को दें वो तो अच्छी बात है, हमारी अपनी चीज हमने क्या कमाया? हमने जिंदगी में 63 दिन कुछ कमाया ही नहीं, कहपन कमाया, वो हम दूसरों को देकर के क्या फायदा? और जगदम्बा को जो कुछ मिलता है वो मिलता किससे है? जगत पिता से। अगर जगदम्बा देने लायक बनी हुई है सब मनोकामनाएं पूरी करने के लिए निमित्त, मुखिया कौन हुआ, उत्तरदायी कौन हुआ? जगत पिता। जगत पिता से लेकर के फिर वो सबको देती है। जगत पिता किसे लेता है? जो जगत पिता है, जगत कहते हैं ये जो दुनिया है, सारा जगत 500 करोड़, विश्व पिता किसे कहते हैं? साकार में हुआ या निराकार में हुआ? साकार में हुआ। लेकिन वो किससे लेता है? विश्व पिता विश्व की बादशाही किससे लेता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा से जो दिया हुआ है वो लक्ष्मी देती है, और जगत पिता तो साकार है, उससे लिया हुआ दूसरों को बांटा वो बड़ी बात है, ये शिव बाबा से लिया हुआ दूसरों को बांटा वो बड़ी बात है। शिव बाबा की चीज दूसरों को बांटे। बोले हैं कि जोर से बोलो बाबा, आज मेले में बोले हैं जरूर खुदा को दिशा में आना पड़े है, जरूर खुदा को दिशा में आना पड़े, जरूर खुदा को दिशा में आना पड़े। हाँ, संन्यास रहने कारण उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। हाँ, ये तो बेहद के दुरुस्त ही है, संन्यास रहने कारण है, संन्यास रहने कारण उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। हाँ, ये तो बेहद के दुरुस्त ही है। संन्यास धर्म में भी ऐसे ही होता है, जो दुनियादारी को छोड़ देते हैं, लौकिक घर परिवार छोड़ देते हैं, तो उनको गुरु लोग उनका नाम बदल देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, जिन्होंने घर घर से संन्यास कर दिया और दुनिया को छोड़ दिया, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
तो उनका नाम बदल जाता है। नष्ट हुआ होने की बात है, स्मृति लगना होने की बात है, एक में लगन लगाने की बात है, दूसरों से लगन हट जाए तो काम बदल जाएंगे जिंदगी के। दुनियादारी से लगन लगी रहती है तो काम धंधे दूसरे रहते हैं, पेट का धंधा मुख्य हो जाता है। जब बाप के बन गए तो बाप को तो अपना पेट है ही नहीं, बाप के जो बच्चे आत्मा उनको भी अपना पेट नहीं, पेट की चिंता ही नहीं, बुद्ध रूपी पेट है बस, उसके लिए कोई चिंता नहीं। और बाप ने भी गारंटी दी है मेरे बच्चे भोग नहीं मर सकते। तो काम बदल गया तो नाम भी बदल जाता है। मंदिरवाली ने मुंबई शहर में इंदिरा ने किंतु मुख्य फिल्म देखे हैं। मंदिरवाली ने भुवन सर में इंदिरा टेम्पल मुख्य फिल्म देखा है। भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल को मंदिर को मुख्य क्यों दिखाया गया? मुख्य मंदिर लिंगराज पंडित लिंगराज मंदिर, क्योंकि लिंग स्टेज में स्थिर हो गया। लिंग माने ज्योतिबिंदु, ज्योतिबिंदु स्टेज में 24 घंटे जो स्थिर हो जाए वो सारी दुनिया का राजा। मेरे लिंग की ही पूजा होती है और बाकी 33 करोड़ देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन ऊंचा कौन हुआ फिर है? जो देवताओं की पूजा होती है सब इंद्रियों की, वो देवताएं ज्यादा ऊंचे हुए या सिर्फ जिसकी लिंग की पूजा होती है वो ज्यादा ऊंचा हुआ? लिंग रूप की जिसकी पूजा होती है वो सबसे ज्यादा ऊंचा हुआ, क्योंकि काम इंद्रिय ही सबसे ज्यादा मुख्य है। काम को जीता तो जगत को जीत लिया, इसलिए क्या माना जाता है। और भुवनेश्वर को बाबा टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को बोलते हैं। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं क्यों? मंदिरमालिनी नगरी बोलते हैं। भुवन किसे कहते हैं? त्रिभुवन किसे कहते हैं? तीन भुवन, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ये तीन भुवन हुए, उसमें से ये है भुवनेश्वर। त्रिभुवनेश्वर नहीं है, क्या है? भुवनेश्वर। भवन माने ये सारी पृथ्वी, इस सारी पृथ्वी में पूजा का स्थल कौन सा माना जाता है? जहां देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, जो भी देवताओं की मूर्तियां हैं उनमें ऐसा देवता कौन है जो सारे जगत को कंट्रोल करता है? जगन्नाथ सारे जगत को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब जो जगन्नाथ है वो सबका बीज है। सारी दुनिया के टेंपल किसमें समाये हुए हैं? तो जगन्नाथ में ही समाये हुए हैं। गीता में भी लिखा नाम ते सुते मय, वो सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं उनमें नहीं समाया हुआ हूं। उसकी यादगार में जो शहर बनाया गया उसका नाम बनाया गया भुवनेश्वर। कितनी दूर है जगन्नाथ से? है
40 किलो 60 किलोमीटर दूर। बाबा हमारी दसफला में एवरी ईयर रावण पुड़ी जो लंका पुड़ी है ना, लंका पुड़ी का एक बहुत बड़ा मेला होता है, वो भी इंडिया प्रसिद्ध है, उड़ीसा का बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत बड़ा रावण का स्टैचू बना जाता है और जला जाता है। तो सभी जगह रावण के पुतले बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा रावण। हम मैसूर में जाके देखिए और बड़े बड़े पुतले मिलेंगे, बहुत बड़ी रामलीला बनाते हैं। जो जो टाइम बीतता जाता है रावण राज्य और ज्यादा बड़ा होता जाता है, तो पुतले भी बड़े बड़े बनाते जा रहे हैं। वर्तमान संगम की यादगार है। अभी रावण और बड़े रूप में सामने आएगा, ये 98 में जैसे एडवांस पार्टी के सामने आया है उतने ही बड़े रूप में आएगा, और विकराल रूप में आएगा कि हल्के रूप में आएगा, और ही बड़ा रूप धारण करके आएगा। उस समय कहते थे हमने 40 करोड़ निकाला हुआ है, रगड़ के रख देंगे, 40 करोड़ से तो कुछ हुआ नहीं। अब तो बुद्धि में बैठ रहा, अरे हमारी तो राजा ही गई तो मरता, मरता क्या न करता, जब जान पे आ जाती है तो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो गया, सब कुछ लगा देंगे जो कुछ हमारे पास लटू लिए हुआ है, सारी ताकत लगाता है जीतने के लिए। अब है तो कुछ भी नहीं सिवाय बाहुबल के, ज्ञान बल तो है ही नहीं, बाप को पहचानते नहीं तो योग बल है ही नहीं, न योग बल है न ज्ञान बल है, तो सेवा का बल कहां से आएगा। सेवा तो बाप की पहचान देने की ही सेवा है ना, तो बाप की पहचान ही नहीं है तो सेवा किस बात की करेंगे। तो ना सेवा का बल है ना ज्ञान बल है ना योग बल है, धारणा है थोड़ी सी, वो भी उन आत्माओं के बल पर है जो एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली 10% आत्माएं हैं उनके साथ, जिनके लिए बाबा ने बोला है विजयमाला का आवाहन करो। उनकी कृपा के आधार पर चल रहे हैं, बाहुबल का टाइम खत्म होने वाला है, तो इसलिए ये बाहुबल चलाना शुरू कर दिया है, खाली जवाब दिया है। Oh, yeah.